सोलापुर से आ रही है, जहां आज सक्षम संस्थान ने भी योग दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सक्षम संस्थान ने देश विदेश के योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर संस्थान के संपूर्ण भारत के सहयोगियों के अलावा विदेशों से भी लोग जुड़े। योग दिवस की तैयारी संस्थान लगभग एक महीने से की जा रही थी, वहीं इस भव्य आयोजन में अनेकों योग प्रशिक्षक के सहयोग से लगभग 1500 लोगों ने अपने घरों परिवारों कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुले स्थानों पर योगाभ्यास किया। प्रत्येक आयु वर्ग में योग को लेकर बहुत जोश रहा। लगभग 25 तरह के एक से बढ़कर एक योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, पदासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन समेत कई प्रभावित प्रस्तुत किए। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक योगेंद्र सक्सेना, अमित सक्सेना, तरुषि करनी, रुचि मलकानी समेत कई लोगों का सहयोग रहा। सीनियर ट्रेनर योगेंद्र सक्सेना ने भीलवाड़ा, अमृता सक्सेना ने जयपुर, बीकानेर से तृप्ति आदि ने कार्यक्रम में अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के अलावा इंदौर, कानपुर, असम में भी लोगों ने योग के लिए संस्थान परिवार के साथ जुड़े। भीलवाड़ा में योग गुरु योगेंद्र सक्सेना ने योग पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि योग से जीवन स्वस्थ रहता है एवं दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इस कोरोना काल में योग जीवन बचाने के लिए वरदान साबित हुआ है। सक्षम संस्थान के अध्यक्ष ब्रजराज नारायण सक्सेना व सचिव इवादीप सक्सेना ने कहा कि योग को जीवन पर्यांत अपनाना चाहिए। योग हमारे शरीर के अलावा मन व मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। कार्यक्रम निदेशक अनीता सक्सेना व ओवरसीज प्रभारी हासमिक ने बताया कि कोविड 19 की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन व खुले स्थानों पर दोनों जगह योगाभ्यास करवाया गया।